दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार जो भी आज मार्केट में हेयर ऑयल मिलते हैं उसके अंदर ज़्यादातर मिनरल ऑयल की मिलावट पाई जाती है। मिनरल ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ये कैंसर तक भी कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आप एक नेचुरल हेयर ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले हेयर ऑयल के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस या कोई भी केमिकल नहीं है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। 10 अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके पत्ते या बीजों से ये हेयर ऑयल तैयार किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर आंवला, तुलसी, भृंगराज, गुंजन, योर वर्जिन कोकोनट ऑयल जैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, आप इस तेल को ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। जब मैंने इसको ऑनलाइन चेक किया, ऑनलाइन अलग अलग कस्टमर्स के रिव्यू आपकी स्क्रीन पर हैं, तो ये टोटल 5 में से 4.4 स्टार इसको मिले हैं। इसकी अच्छी क्वालिटी के कारण, अच्छी स्मेल के कारण और इस हेयर ऑयल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, इसकी स्मेल अच्छी है। देखने में ये बिल्कुल बैंगनी रंग यानी कि पिंक रंग जैसा दिखता है। सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बात करूँ तो इसका MRP इसकी बोतल के ऊपर 220 लिखा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन आपको 100 से 150 के बीच में मिल जाएगा। मैंने इसको 140 रुपये में ख़रीदा था। दोस्तों, सबसे पहले बात करें जिन लोगों की खोपड़ी काफ़ी सूखी रहती है, ड्राई स्कैल्प की समस्या है, बहुत ज़्यादा सूखे बाल हैं, बाल दो मुहे हो चुके हैं, तो वो लोग इसका ज़रूर से इस्तेमाल करें। ये हमारी स्कैल्प को नरिशमेंट देता है। दूसरे, वो लोग जिनको डेंड्रफ की समस्या है, बहुत ज़्यादा रूसी है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें, 15-20 दिन इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा, आपको डेली इसको इस्तेमाल करना है। पहला पॉइंट, अगर बाल बहुत छोटे हैं तो इसको डेली आप स्कैल्प पर मसाज करें, और बाल बहुत बड़े हैं तो वीक में कम से कम 2 दिन इसके अच्छे से मसाज करें। दूसरा पॉइंट है कि आपको इसे इस्तेमाल करते समय ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग लगा लेते हैं कि पूरा बाल पूरे चिपचिपे हो जाते हैं। ये देखने में इसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, हल्का लाइट नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इसके अलावा जिन लोगों को प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, यानी समय से पहले बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग जड़ी बूटियां हैं जो हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों को अच्छा नरिशमेंट देंगी, जिससे हमारी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर ख़त्म होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं और पुरुषों के बाल बहुत पतले हैं और बालों को मोटा करना चाहते हैं, जो बालों की अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करें, उसमें भी ये फ़ायदेमंद रहेगी। इसका मेन पॉइंट है कि ये हमारे बालों को ज़्यादा चिपचिपा नहीं करता है, ज़्यादा गाढ़ा तेल नहीं है। दोस्तों, आप इसके ख़रीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने से पहले आप अपने लेवल पर रिसर्च कर सकते हैं। मुझे ये काफ़ी फ़ायदेमंद लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ये कोई प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं है, मैंने इसे खुद के पैसों से ख़रीद कर आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। धन्यवाद।